इस चीज को बिल्कुल गौर से देखना, बिल्कुल एक सेकंड की वीडियो अभी आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखना बिल्कुल गौर से। ये देखिए क्या निकल रहा है, ये देखिए क्या निकल। आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन डरा था अभी। तो मैंने कहा था ना कि गौर से देखना, आप लोगों ने गौर से नहीं देखा इसलिए आप शायद डर गए हैं। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। तो दोस्तों मेरा नाम है आदिल, आदिल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, मिलते हैं वीडियो के। तो गाइस राधा दीदी का काम हो गया है चालू, तो आप लोग देख रहे हो ठोकाई हो रही है क्योंकि अभी जो दीपावली के दिन है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं। तो दीदी साफ सफाई में लग गई हैं और यहाँ पर ये देखिए ये ऊंची कर दी है यहाँ पर से, यहाँ से ये जो है चौतरिया ऐसी, और इधर गई है जो गोबर वोबर डला हुआ है उसमें भी मिलाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लिपा जाएगा पूरे आंगन में। तो दीदी ने काम शुरू कर दिया अपना और ये देखिए सारी सारी जगह एकदम बढ़िया क्लीन कर। तो गाइस दीदी ने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो मैं भी अपना एक ब्लॉग जो है छोटा सा बनाकर स्टार्ट कर देता हूँ और आपको ऐसी आप कुछ चीज दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने आज तक देखी नहीं होगी, लेकिन ब्लॉग को एंड तक देखना तभी आप लोग उस चीज को देख पा। आप लोग इस चीज को जानते हो नहीं जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी चीज आज तक देखी नहीं होगी, तो मैं अभी आपको तोड़ कर दिखा दे रहा हूँ कि इस चीज में क्या है क्या नहीं है और ये आपके शरीर को कितना लाभदायक और बना सकती है। इस चीज को आप जानते हो नहीं जानते हो, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। पहले इसको तोड़ लेना, उसके बाद में इसको पीस लेना, और अभी आपको बता रहे हैं, अभी वीडियो में एंड तक बने रहना, लेकिन आपको बता रहे हैं इसकी प्रक्रिया जो है सारी बता रहे हैं, उसके बाद में आपको जानकारी पूरी हो। यार उसको छोड़िए, इसको बताइए आप लोग इसको जानते हो कि नहीं जानते हो। ये इतनी बढ़िया और इतनी मजबूत है जो आपके शरीर की जो हड्डियां हैं बहुत ज्यादा मजबूत करता है, और ये वो जड़ी बूटी है जो आप लोगों ने आज दिन तक देखी नहीं होगी। तो आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करना, और नहीं किया तो आप लोगों को पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप लोग इस प्रक्रिया को ध्यान से देखिएगा। उनको छोड़िए, आप लोग इनको जानते हो ना, तो एक बार आप अपनी उंगली इनको दे देना आकर, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन लोग हैं। आप लोग इनको जानते हो कि नहीं जानते हो कमेंट करके जरूर बताना, अगर जिसको भी पता हो तो जरूर बताना। एक बार इनको अपनी मुंह में उंगली धरवा देना, ये जो आपका मांस रहेगा ना ऊपर का वो सारा का सारा ये सपाटा कर देंगे। शायद इन चीटों को तो आप जानते ही होंगे कितने खतरनाक होते हैं, कितने मजबूत होते हैं। अगर इनके मुंह में अगर हमारी और आपकी किसी की भी उंगली धर जाए तो ये पूरा मांस खींच लिया करते हैं। तो इसको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन आप लोग इनसे बहुत ज्यादा बचकर रहना, क्योंकि ये चीटा बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और जंगलों में बहुत कम मिलते हैं। ये ज्यादातर यही बिरियों के पेड़ों पर मिलते हैं या बमूर के पेड़ों पर मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं इंसानों से भी ज्यादा। हमारे पिल्लू का राज यही है कि हमारा पिल्लू जो होता है कि ये हरी जड़ी बूटी बहुत ज्यादा खाता है। ये देखिए सूंघ सूंघ कर हमारे पास ला रहा है, ये कुत्ता बहुत ज्यादा समझदार है। इधर दिखाओ चेहरा, तो चला गया लो, तो सुनता नहीं, बहुत बड़ा ये बैद बन चुका है, बहुत बड़ा बैद बन चुका है ये। जो हमारा पिल्लू है ये बहुत बड़ा बैद बन चुका है, ये किसी की बात नहीं सुनता, क्योंकि जब कोई बड़ा हो जाता है तो किसी की कोई बात नहीं सुनता है। तो आप लोग देख रहे हो वो अपनी जड़ी बूटियां ढूंढ रहा है कि जड़ी बूटी लाएं और आदिल भाई को दें और इनकी जो हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं उसको मतलब सही कर दें। आप लोग देख रहे हो अपना खुद खा रहा है, वो देखो सामने कैसे खा रहा है, वो देखो ये खा रहा है, देख रहा है, देखो बैद को देखो मेरी तरफ देख रहा है। आप लोग इनको देखिए ये कैसे हमारी तरफ हंस खेल रही है। ये देखिए पौधा पूरा, और इसको तो आप जानते होंगे इसको चिपकना बोलते हैं, ये चिपक जाता है। इससे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे खेले होंगे और लोगों को पता भी होगा, अभी जिसके ऊपर बुढ़ापा छा गया है तो वो कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने इनसे खेला या नहीं। और भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा खेला है इन चीज़ों से और बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई इन चीज़ों से, कि दूर जाते थे फेंक कर मार देते थे और ये चिपक जाता था, तो लोग बताते थे कि इसने मारा तो थप्पड़ मेरे दो चार पड़ जाती थी, लाल चेहरा हो जाता था, लाल की जगह फिर नीला पड़ जाता था, बताइए किसके किसके गाल नीले। तो बैद जी अब जा रहे हैं, बैद जी ने दवाई खा ली है, तो बैद जी चले गए, बैद जी उधर चले गए और बैद जी का जो शिष्य था मैं इधर चला आया, और बैद जी की लड़ाई बहुत कसके हो चुकी है। तो आप लोगों को दिखा रहे बैद जी किधर चले गए, बैद जी उधर चले गए साइड में हो गए हैं, और एक के ऊपर हमला कर दिया जाकर, क्योंकि जो कुत्ते की जाति होती है वो अपने द्वारे से कड़ने नहीं देता, बेचारा एक कड़ा तो उसको डस लिया। देखिए ये मिली केट है, आप लोग देख रहे हो इसको सनाया जाएगा मिट्टी में, ये देखो डर चुका है। अच्छा अभी इसमें मिट्टी सनाई जाएगी, उसके बाद में ये लिपा पोती होगी। तो राधा दीदी आज बहुत खुश नजर आ रही है, क्या दीदी बताओ कहाँ नजर आ रही तुम, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हो। अच्छा लगा पोती तो कराओ ही, पर अब जैसा कर पाए आप घूमन चलो कहूँ बढ़िया जगह,
चलो को बढ़िया जगह आज देखो जेला जेल लगो खोया 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 तो जो बचने ही नहीं देते देखो खोया चीनी मिला एक खाए रहो जो खोया तो बचने ही नहीं देते बिल्कुल गोबर की माँ की तो आदमी की तो माँ का टट्टी की अजी देखो अब यहाँ पे इतनी बुरी माँ का रही उन्हीं थोड़े के खाए रहो है बहुत बुरी माँ का रही है का जय गोबर के इंसान पांच हुआ पता है तुम्हें बात सुनो बिचक रहे होगे मांग नहीं आ रही तुम तो भैया बैठ के खाना खा लिपो तो गोबर ही को है कौन दत्ती तुम कौन सी दत्ती तुम बैठ नहीं दत्ती में अब दत्ती में कोई बैठा था जा बताता कब बैठा था हैं आप लोगों को और एक चीज दिखा रहे हैं यहाँ पर पीछे मेरे भालू बैठा हुआ है ये सारी सारी रौन चुका है खोया और चीनी लेकिन हमको अभी मिली नहीं अभी हम भी खाएंगे जाकर आ गया भालू है ये भालू चीनी बहुत खाता है मिठाई मीठी चीज बहुत ज्यादा खाता है ये गाइस आप लोगों ने ये देखा है ये गोबर और मिट्टी है इसी को मतलब मिक्स करके और पूरे में लीपा जाएगा इधर वो अभी ये जो है ये खाने जा रहा है अभी आपको खाकर बताएगा ले खा तुम खाओ तू खा तुम खाओ पकौड़ी ऐसी चुवाई है पकौड़ी चुवाए रहो पकौड़ी लिपाई पुताई हो रही है देखो ऐसे ही लिपो जाते ऐसे ही एक्सपीरियंस कर ले देखो लिप तो बॉबी ने